आज हम लगाने जा रहे हैं शोल्डर की गेम। शोल्डर भी हमारे जिस्म का एक बहुत अहम पार्ट होता है जिसको ट्रेन करना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप प्लीज़ शोल्डर की गेम लाजमी लगाया करें। तो ये आज हम लगाने जा रहे हैं, यानी कि अपनी शोल्डर की गेम, आप अपने शोल्डर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो और किस तरह आप ग्रो कर सकते हो। तो आपने करना क्या है, ये डंबल लेने आपने, और आपकी पोजीशन ये होनी चाहिए। आपने ये जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ, आपने इसके 3 सेट करना है और 10-10 रेपिटेशन के साथ। ये बिल्कुल आपने स्लोली जाना है और आपने अपने चेस्ट को बाहर निकालना है। जितनी आप स्लोली जाएंगे आपके शोल्डर उतनी ज़्यादा टूटेंगे और ग्रो करेंगे। ये आपने इसके 3 सेट लगाने और 10-10 रेपिटेशन के साथ। अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ। ये भी बहुत अहम एक्सरसाइज है। आपने करना क्या है कि आपने डंबल लेने इस तरह और चेस्ट को यूं बाहर निकालना। इस तरह आपने चेस्ट आपकी लाजमी बाहर होनी चाहिए इस तरह। और यहां पर आपने स्क्वीज करना है मसल। आपने इसके भी 3 सेट लगाने हैं और 10-10 रेपिटेशन के साथ। तो गाइस ये थी हमारी सेकेंड एक्सरसाइज। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। तो गाइस ये है हमारी थर्ड एक्सरसाइज। आपने इसके भी 3 सेट लगाने हैं और 10-10 रेपिटेशन के साथ। आप वेट अपनी मर्जी के मुताबिक ले सकते हैं। ये मैंने वेट इसलिए कम लिया है क्योंकि इसमें थोड़ी आसानी होती है, और ज़्यादा वेट लगाएँ या ना लगाएँ वो आपकी अपनी मर्जी है। आपने इसमें करना क्या है, चेस्ट को बाहर निकालनी है आपने ऐसे, ये आपकी पोजीशन ये होनी चाहिए, स्लोली जाना आप। तो गाइस ये थी हमारी थर्ड एक्सरसाइज शोल्डर की। अब हम चलते हैं अपनी फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ। गाइस ये हमारी अब फोर्थ एक्सरसाइज शोल्डर की। आपने करना क्या है कि प्लेट लेनी है और इस तरह पकड़ना है। इसमें भी आपकी पोजीशन ये होनी चाहिए, आपकी जो शोल्डर है ना वो इस तरह होनी चाहिए और आपकी चेस्ट बाहर निकलनी होनी चाहिए। आपने इसके 3 सेट लगाने और 10-10 रेपिटेशन के साथ। तो गाइस ये थी आज की हमारी शोल्डर की एक्सरसाइज। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।